फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ आज एक नया वीडियो लेके। तो आप लोगों को पहले ही दिखाए थे कि ये मैं ली हूँ दो दिया अमेज़ॉन से। तो ये बेसिकली एक अखंड दिया है, अखंड ज्योति है। तो ये अखंड ज्योति को कैसे जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, आज वही आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जनरली मेरे पास आज ये बाती है। तो एक्चुअली ये मार्केट में इधर यही ऐसे बाती ही मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको ये जो बाती है इसको थोड़ा खोल लिए। आप देखेंगे कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये खींचने से ही ऐसे निकल जा रहा है। और ये जब निकल गया तो इसको आप ऐसे करके दो हाथ के बीच में ऐसे राउंड टाइप का बना लेंगे, ठीक है। फिर राउंड टाइप का बनाने के बाद इधर आप देखिए, फोकस, हाँ ये इधर आप देखिए कि ये ना आप खोल सकते हो। आप लोगों को पता होगा ये, और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग अच्छे से देख लीजिए। ये ऐसे खोलने का सिस्टम है ये। तो ये जैसे ये खुल गया, फिर आपको ये साइड से इसको ऐसे अंदर डालना है। फिर देखिए इसके अंदर से मैं इसको घुसा ली हूँ। फिर घुसाने के बाद थोड़ा सा इसको खींच देना है, फिर हो गया। आप इसको फिर से वापस लगा दीजिएगा। ऐसे देखिए, अखंड ज्योति तो एक बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी के घर में अभी होता ही है। लेकिन ये एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। ये जनरली हम लोग प्लेन जो दिया होता है वही ज़्यादा जलाते हैं, ये इतना प्रज्वलित नहीं करते हैं। मेनली ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलता है नवरात्रि के टाइम। तो इस साइड में इन लोगों को पता नहीं है जनरली, तो उन लोगों को और ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा खोल लीजिएगा, धीरे धीरे करके खुलेगा। इसको बहुत हल्के हाथ से करना है, नहीं तो क्या होगा, ये खुल जाएगा टोटली। आप ना इसको इजीली रोल करने के लिए ना हाथ में थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हो। कौन सा हल्का सा ऑयल? ये तो सिसम ऑयल है, ये मैं बता दूंगी आप लोगों को। कोई भी ऑयल, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसे करने से क्या अच्छे से हो जाता है ये रोल। फिर देखिए ये अच्छे से हो गया। इसको फिर से वापस दिखा देते हैं आप लोगों को। इसको खोलिएगा, खोलने के बाद इसको, हाँ बहुत अच्छे से चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बाती का जो ये वाला पोर्शन है, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये जो मेन जो जहाँ पे जलेगा ये, इसको बिल्कुल भी मतलब बरकरार रखना है, ऐसे ही रखना है। इसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, एक्स्ट्रा जो रुई दिया हुआ है, उसको आप लोग कर दीजिएगा। उसको धीरे धीरे करके हाथ से खोल के, फिर इधर मैं सीसम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मतलब तिल का तेल। ये तिल गंगा ब्रांड का है, ये लोकल मार्केट में आपको कोई सा भी ब्रांड का मिल जाएगा तिल का तेल। तो तिल का तेल भगवान के सामने जलाना बहुत अच्छी मतलब अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, इसको प्योर माना जाता है। तो इसीलिए मैं इधर तिल का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। आप जितना ऑयल डालेंगे उतना टाइम तक ये प्रज्वलित होगी, फिर इसको जलाना है। फिर ये बाती मैंने रेडी कर लिया है। हाँ, और एक बात, ये इसका टिप पे भी आप लोग थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा, जो मैं लगा दी थी।
देखिए ये कितना अच्छे से अभी प्रज्वलित हो गई है। फिर इसको अभी इधर रख देंगे भगवान के सामने। तो बहुत टाइम में हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे अखंड दिया जलाएंगे, और स्पेशली इस टाइप के बाती से जब मार्केट में ये अवेलेबल ना हो दूसरी टाइप की बाती, तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हो इजीली। तो होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस टाइप का और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।